नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम आपके समक्ष मुरैना में आयोजित हुए इंजीनियर सम्मान समारोह के कार्यक्रम की कुछ झलक यहाँ पर वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम की यह विशेषता थी, ये मीडिया के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें 14 विभागों के इंजीनियर्स को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ये भी खास बात थी कि इसमें उत्तर मध्य रेलवे के इंजीनियर भी शामिल थे सम्मानित होने में। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश शासन उपस्थित थे, कलेक्टर मुरैना बी कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक मुरैना आशुतोष बागड़ी और जिला पंचायत सीओ के साथ में और एडीएम श्री नरोत्तम भार्गव भी मौजूद थे, नगर निगम आयुक्त संजीव जैन भी यहाँ मौजूद थे और इसके साथ में अन्य कई गणमान्य लोग और मुरैना शहर के जो प्रभावशाली गणमान्य नागरिक हैं वो भी सब यहाँ मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सबसे जो विशेष बात रही कि यहाँ सफाई की शपथ, स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और फीडबैक भी वहीं उन लोगों से वहीं करवाया गया। दूसरी बात इसमें जो खास बात रही वो ये रही कि इसमें महाकाल का प्रसाद वितरण भी हुआ और महाकाल के प्रसाद वितरण के साथ ही एक एक रुद्राक्ष की माला भी सभी को दी गई। अभी जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि ये रुद्राक्ष के क्या क्या अर्थ हैं, क्या क्या फल हैं और ये क्या क्या फ़ायदा देता है, तो मैंने कहा भाई देखो, एक तो ये जो है 5 मुखी रुद्राक्ष रहते हैं इन मालाओं में, 5 से ज़्यादा कोई भी मुख ऊपर नीचे नहीं रहता, तो 5 मुख के रहते हैं। 5 मुख का सीधा सा एक लाभ बड़ा वो रहता है, वो होता है शरीर के लिए रुद्राक्ष का लाभ ये रहता है कि रुद्राक्ष की एक खास बात जो रहती है वो रहती है कि मनुष्य की प्राणवायु यानी श्वास वायु को नियंत्रित कर देता है और जब प्राणवायु नियंत्रित हो जाती है, श्वास नियंत्रित हो जाती है तो शरीर के आधे से ज़्यादा रोग वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। रुद्राक्ष को हमेशा ही मनुष्य को अपनी नाभि तक पहनना चाहिए या नाभि से थोड़ा 2 अंगुल नीचे, लेकिन नाभि से ऊपर नहीं रहना चाहिए रुद्राक्ष कभी भी। अगर आप केवल 1 रुद्राक्ष पहनते हैं तो, और माला पहनते हैं तो माला का जो है सबसे निचला हिस्सा जो एक ताना रहता है उसमें, वो जो है नाभि तक अवश्य हो या नाभि से नीचे रहना चाहिए। नाभि से ऊपर जब रुद्राक्ष रहता है तो सांस वहीं तक रहती है जहाँ तक रुद्राक्ष का ताना रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य या अच्छे मनुष्य की जो है वो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए या ये प्रकृति होनी चाहिए कि उसकी श्वास नाभि तक जाए और नाभि से ही लेकिन सबको ये एहसास होना चाहिए कि जो शासकीय काम कर रहे हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे अधिकारी, हम लोग हमेशा तुलना प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, बट हमको एक चीज ये समझनी है कि प्राइवेट सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं या हमारे जो शासकीय में चैलेंजेस हैं वो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर हम किसी प्राइवेट एजेंसी की बात करें तो उसको लोकल परिस्थितियों से कुछ लेना देना नहीं, ज्यादा राजनीतिक दबाव का भी कुछ नहीं, या राजनीतिक सहयोग का बात कर लें या अधिकारियों का कोई अलग से आपकी समीक्षा अलग से नहीं होती, तो उनका कार्य क्षेत्र भी उतना ही छोटा है, तो जो चैलेंजेस उनके पास है जो आपके पास चैलेंजेस है उसमें बहुत ढेर सारा अंतर है। मैं भले ही कितना ही इंजीनियरों को मीटिंगों में खड़े शब्दों का उपयोग करूँ लेकिन इस
बात पर मैं भी एहसास कर रखता हूँ कि जो शासकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं इंजीनियर, वो कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो डिलीवर कर रहे हैं, जिसके लिए आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और बाकी आम जनता को ये चीज़ समझना है कि हम लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, खासकर शासकीय जगह, वो परिस्थितियाँ अपने आप में अलग हैं, थोड़ा टफ भी हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। चाहे आज के दिन में आप PMGSY के रोड देखें, आज के दिन में जो नेत्र कैंप हो रहा है, जो हमारे औसत बोर्ड इंजीनियर हैं, जो PHE का काम हमारा हो रहा है, हर एक घर में हम लोगों को जो पानी पहुंचाना है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने सौभाग्य योजना में काम किया है, जो जल निगम पानी पहुंचाने में काम कर रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी ये काम नहीं कर पाती। ये चाहे हर घर को बिजली पहुंचाना हो, हर घर को पानी पहुंचाना हो, अगर शासन को अपनी महत्वाकांक्षी योजना को पूरी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ शासकीय संसाधनों और शासकीय इंजीनियरों का ही योगदान है कि आज के दिन में जो भी हम देख रहे हैं वो हम ही ऊपर डिजाइन कर पा रहे हैं। चाहे आप कोई भी भवन देख लीजिए, वापस लौटे जिस मनुष्य की सांस नाभि तक नहीं जाती और नाभि से वापस नहीं लौटती, वो मनुष्य बीमार हो जाते हैं, उनमें तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं, खुद भी अपने आप में चिड़चिड़ा सा या अशांति सी महसूस करते रहेंगे, उनके मन में विकार आते रहेंगे, वो खुद भी इस प्रकार के रहेंगे कि जैसे विध्वंसक प्रकृति बन जाएगी, उनको विध्वंसक खैर रुद्राक्ष का 5 अंकों का सबसे बड़ा बेहतरीन फायदा शरीर के लिए है कि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या और कोई समस्याएं हैं तो रुद्राक्ष का दाना नाभि तक है, नाभि से नीचे है, तो आपकी ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी बिना किसी दवाई के, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। रुद्राक्ष 40 दिन में अपने उसमें एक्सिस यानी अक्ष सेट कर लेता है, तो आपकी बॉडी से उसकी जो सेट रहती है, सेटिंग रहती है, वो 40 दिन में हो जाती पूरी, उसके बाद आपको फायदा ही फायदा लेना है। वो रुद्राक्ष की ये भी विशेषता है या माला की या रुद्राक्ष की, उसको चैतन्य करके ही पहनना चाहिए। चैतन्य के लिए इसमें जो मंत्र है भगवान शंकर का है, ओम नमः शिवाय हुम फट, इस मंत्र से कम अज कम जो भगवान शंकर पुराने साधक हैं, पुरानी जो साधना करते चले आ रहे हैं उनके लिए तो 11-12 है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए 21-31 या 51 या 101, जितना उसको कम साधना होगी उतना उसको इस मंत्र से पहले चैतन्य करना पड़ता है, और चैतन्य के लिए इसमें धूप दीप कुछ करना चाहिए, उसके बाद रुद्राक्ष को सोमवार के दिन धारण कर लेना चाहिए। ये रुद्राक्ष की कुछ विशेषता है। दूसरा, ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया, जैसे कोई बहुत खाता है पीता है सब कुछ करता है फिर भी उसका शरीर दुबला पतला रहता है और उसका शरीर स्वस्थ हेल्दी का, तो उन लोगों के लिए 5 मिनट रुद्राक्ष बहुत बढ़िया है। वो अपना 5 मिनट रुद्राक्ष पहनेंगे नाभि तक या नाभि से नीचे, तो उनकी शरीर में स्वस्थता आ जाएगी, बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो ये 5 मुखी के बहुत से फायदे हैं। 5 मुखी में जो है जब सेट हो जाता है तो पानी भी पीता है आदमी, तो पानी ही उसकी बॉडी को स्वस्थ कर देता है, संतुलित कर देता है, जो भी खाएगा पिएगा, जो भी खाएगा पिएगा वो स्वस्थ रहेगा। और ये डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, ये सब नियंत्रित कर देता है। उसमें कोई दवाई लेता हो तो वो दवाई उसकी छूट जाए इन चीज़ों की। और भी हैं, सब तो यह नहीं बताया जा सकता, पर जो कार्यक्रम हुआ उसकी कुछ झलकियाँ या वीडियो में हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो भी था जो भी हुआ वो आप खुद यहाँ पर देखें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।
की योजना के बारे में यहाँ मंच से बता भी चुके हैं, लेकिन आज उनका अभिनंदन और सम्मान किया जा रहा है दैनिक भास्कर परिवार की ओर से। आमंत्रित है श्री आदमी साहब, आपने मुरैना जिले में 500 की आबादी वाले एक गांव को सड़क से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। और श्री आरपी झा जी के साथ है अधीक्षण यंत्री मुरैना श्री बालकिशन गर्ग जी, तालियों के साथ मिलता है उनके हिसाब से। कार्यपालन यंत्री मुरैना एच एस शर्मा जी, कार्यपालन यंत्री चौड़ा श्री महेश सिंह हसन जी, उनकी जो पूरी टीम है। कार्यपालन यंत्री समन्वय श्री विनोद श्रीवास्तव जी, कार्यपालन यंत्री श्री एम के गुप्ता जी, सहायक मंत्री द्वारा श्री आयुष दीक्षित जी, सहायक मंत्री श्री आर पी शर्मा जी और उनके साथी। जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं जल संसाधन विभाग मुरैना की सिंचाई, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, मैं हाथ आगे करेंगे और समर्थ स्वच्छता की शपथ इसलिए लेना जरूरी है कि स्वच्छता स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन भी ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो काम भी हम ठीक कर सकेंगे। इसलिए आज सभी लोग शपथ ले, मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ आया गया मेरा एक कदम स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रहा हूँ और अन्य स्व व्यक्ति से भी करवाऊंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ पढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। अपना संकल्प है और अनुभव प्रयास
दैनिक भास्कर परिवार का 14 विभागों के इंजीनियर्स एक जगह पर उनका पर्व धीरे धीरे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ही ये मिलन कार्यक्रम हो गया। और इसके अलावा है कनेक्टिव की जो पुरानी अनुपयोगी जमीन जिसको निवर्तन करके कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से काफी सारे निर्माण कार्य जो प्रपोज किए कलेक्टर साहब ने। तो दो तरह के कस्टमर करके कार्य कर रहा है वर्तमान में। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य है वो जल निगम के माध्यम से चल रही है और नगरीय क्षेत्र में ये कार्य वर्तमान में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी जो बनाई गई है उसके दिशा निर्देश में चल रही है। कुछ परियोजनाएं बहुत बड़ी होती हैं, उनको सामान्य शासन की व्यवस्थाएं हैं उनके साथ करने में बहुत अच्छा।
अच्छा काम कर रहे हैं। दैनिक भास्कर समूह के द्वारा आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करके ये संदेश देने का काम किया है। मैं समझता हूं दैनिक भास्कर समूह का ये कार्यक्रम चौथा कार्यक्रम है, तीन जिले में हो चुका है। और इस कार्यक्रम में अगर देरी भी है तो मेरे वजह से भी हुई है। हर्षद जी का भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय श्री लोकेश जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी ने हम सभी सम्मान करें। मैं इंजीनियरों से इस वक्त पे ये भी कहूंगा कि कृपया करके ऐसे काम करते रहे और अपनी पूरी 100% दें, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आज के दिन में चल रही हैं वो आपके ऊपर है, चाहे ग्राम पंचायत से छोटी सड़क, पानी पीने का पहले ही टंकी लगा रहे हो या स्कूल का भवन बना रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो भले ही हम लोग जितने भी अधिकारी गण हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर उतनी बड़ी है। और आप ये करते ही ना समझे कि आपकी जो सोशल या इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका जो योगदान है वो बहुत अमूल्य है। तो आप अगर भवन बना रहे हैं, आज के दिन में कई बच्चे हैं, कहीं आंगनबाड़ी आप बना रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका योगदान है। तो कृपया करके ऐसे ही मेहनत करते रहें और दैनिक भास्कर उनको भी मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाइयां कि आपने अमूमन शासकीय लोगों को सम्मान नहीं करता है, वो तो सिर्फ या तो अखबारों में आलोचना होती है या अधिकारियों के द्वारा उनकी समीक्षा होकर कठोर आदेश सुनाए जाते हैं। आज ये अच्छा अवसर है कि जिसमें दैनिक भास्कर ने यह रिकॉग्नाइज किया कि हमारे शासकीय इंजीनियर्स और उनकी जो योगदान है और जो काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी करना चाहिए और प्रोत्साहन भी करना चाहिए। उनके लिए ऐसी सोच के लिए मैं दैनिक भास्कर को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मुझे बुलाया तो बातें बताने की मुझे मौका दिया, उसके लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि आज सबका दिल गार्डन का रहा हूँ, सबको लगा कि आपके अंदर भी सबके प्रति एक गहरी संवेदना है और आपका दिल भी सबके लिए लगता है। मतलब प्राय लोगों को ऐसे लगता रहता कि सर सब तो हुआ, लेकिन आज समझ में आया कि वो इसके महत्व भी क्यों जरूरी है और उसके क्या क्या सुखद परिणाम होते हैं। तो आज सभी के चेहरे पर जो मुस्कान है सर, आप उसको सहेज के रखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें इसी मुस्कुराहट इसी जिंदगी के साथ आप हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं जिस शख्स को आवाज दे रहा हूँ वो रिश्ता तालुक तो हमारे अपने इसी जिले से रखते हैं, लेकिन आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से। 1 रुपए से लेकर 100 करोड़ तक की यात्रा, जैसे लगता है कि जैसे भास्कर है, जैसे उन्होंने अपने जीवन में उस सूर्य को पानी के सूर्य बनने की मेहनत पैदा की है, ऐसे उद्योगपति है, कार्यक्रम की विशेष करती है आदरणीय लोकेंद्र राजपूत जी। मैं चाहता हूँ कि वो